हाँ बलराम भाई नमस्कार। मैं सुखराज सिंह, नमस्ते भाई यूपी से, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी जी, गाँव मियाँपुर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। ओके। सर मेरा जो केला 4 अगस्त को लगा हुआ था, हाँ 8 महीने पूरे हो गए हैं। ओके। इसकी अब ये कंडीशन है, मिटाई ये सब खेत की पोजीशन है, इसमें क्या क्या और करना है वो जरा बताइए हमें। ब्रदर फील्ड तो ठीक है, कर रहे हैं थोड़े पेड़ रह गए हैं, जो कल में करवा देंगे ड्रिल इसको सबको। इसमें मैंने 15 तारीख को 15 तारीख को मैंने 1000 लीटर पानी में 12 किलो DAP, 12 किलो पोटास, 12 किलो एल्युमिनियम सल्फेट, 12 किलो पोटास, 12 किलो मैग्नीशियम, 12 किलो कैल्शियम, 12 किलो यूरिया, ड्रेंचिंग तन पौधे से 6 इंच दूर ड्रेंचिंग करवाई थी। ओके। तीन हजार पौधे में 1000 लीटर पानी की। बराबर। और आज स्प्रे करा रहा हूँ 200 लीटर पानी में, 2 kg 19 NPK, 200 ग्राम सुक्रोज, 200 ग्राम हीमुक एसिड 98%, 200 ग्राम WDG सल्फर, 200 ग्राम सांप का स्प्रे करवा रहा हूँ। और इसमें क्या जरूरत है मुझे सुझाव दीजिए, कैसे जे अच्छा बांस निकाल सके और बढ़िया फल बने। धन्यवाद। सुखराज भाई मेहनत आपकी रंग ला रही है, फील्ड काफ़ी अच्छा है आपका, दिख रहा है प्लॉट एकदम हरे पत्ते ग्रीनरी, जो पूरे यूपी में ठंड का असर हो रहा है ना वो आपके प्लॉट पर नहीं है। आपने फॉलो भी किया था OD1 में पानी देना और आप अभी फर्टिगेशन भी फॉलो कर रहे हो। सुखराज भाई आप जैसे किसान जो लर्निंग एटीट्यूड वाले हैं, सीखने जैसे जो है ना, वो काफ़ी हिंदुस्तान को बदलने में मदद करेंगे। ब्रदर बहुत अच्छी मेहनत है आपकी। 22 है ना, आज 22/3/2020 जनता कर्फ्यू है। मैं परिवार के साथ बैठा हूँ, सामने न्यूज़ टीवी भी चल रहा है और आपको गाइड भी कर रहा हूँ। ब्रदर अगले 1 महीने के लिए डोज समझ लीजिए, अगर आप ड्रेंचिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। पानी देने से पहले ड्रेंचिंग कीजिए, जिस भी तरफ प्लांट को पानी जा रहा है उस तरफ। 1000 पौधे पर सप्ताह में 2 बार करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। 1000 पौधे पर DAP देना है 10 किलो, 1 लीटर फास्फोरिक एसिड, 10 किलो यूरिया, घोल बनाना है, डालने से पहले खेत में डालने से पहले 25 ग्राम पोटेशियम उमेट। दूसरा डोज जो बनाना है इसके 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 1000 पौधे पर 10 किलो 12/32/16, 10 किलो पोटास, 2 किलो फास्फोरिक एसिड, घोल बनाना है, डालने से पहले 5 किलो यूरिया, 10 ग्राम पोटेशियम फुलवेट, इसका घोल बनाना है, सप्ताह में दूसरी बार इसको देना है पर प्लांट को 200 ml। बहुत अच्छे तने की मोटाई आएगी, आपकी फील्ड अभी भी ग्रीनरी और एक नंबर है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो ठंडी का असर है, आपने जो फॉलो किया था OD1 और जो फर्टिगेशन फॉलो कर रहे हो, उसके हिसाब से मुझे दिख रहा है आपके पौधों में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। नुकसान तो है लेकिन ठंड का उतना असर नहीं है, ठीक है ब्रदर, ये फॉलो कीजिए। अभी सप्ताह में 1 बार देना है आपको कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो, अमोनियम सल्फेट 3 किलो। पानी जैसे चलाओ उसमें भी धार बना के चला सकते हो या प्लांट को ड्रेंच कर सकते हो। महीने में 1 बार देना है 1000 पौधे पर 200 ग्राम बावेस्टिन, 200 ग्राम सुक्रोज। अभी अगली बार 100 ग्राम बावेस्टिन, 100 ग्राम सुक्रोज देना 1 महीने के बाद। ब्रदर फील्ड काफ़ी अच्छी है, ऐसे ही ध्यान देते रहो, उत्पादन बढ़ाओ। अभी ड्रिल कर लो, अगला जो है वो रख लेंगे हम, फिर ड्रिल नहीं करेंगे। अभी जितने नए सकर्स हैं उनको सबको ड्रिल कर दो। ओके सुखराज भाई, थैंक यू सलाह लेने के लिए।